तो दोस्तों जो आज की वीडियो है ना दोस्तों, ये जो है नौसिखिए कारपेंटर के लिए, ठीक है दोस्तों, ये जो है ना बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास दो कारपेंटर मिलने आए थे कि बोल रहे थे भैया हम लोगों को भी थोड़ा सा काम वाम पे रख लो, हम लोगों को काम चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों यार आप लोग अपना पर्सनल काम नहीं करते क्या, परसेंटेज वगैरह में? बोले तो नहीं भी, हम लोग को क्या है, बुला लेते हैं सामने कस्टमर, काम भी दिखाते हैं, हम लोग देखते भी है, लेकिन हम लोग काम नहीं देता, कोई दूसरे से करा लेता है। तो मैंने बोला आप लोग के साथ ऐसा क्यों होता है? तो बोले पता नहीं भैया, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। जितने भी नए कारपेंटर भाई हैं ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। मैं जो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको 100% काम मिलेगा। हम लोग क्या गलती करते हैं नए नए नौसिखिए रहते हैं, तो उस गलतियों को मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो और आपको कैसा काम मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत वर्मा और आप देख रहे हैं एचके कारपेंटर। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में दबा दो बेल आइकन की घंटी को, और वहाँ पे आल पे प्रेस कर दे, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और आप देखेंगे सबसे पहले मेरे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो चालू करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग ऐसे कारपेंटर की बात कर रहे हैं जो काम प्रॉपर से सीख चुका है, जिसने दूसरी जगह अपना पर्सनल काम लेकर नहीं किया हुआ है। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप नए कारपेंटर हो, आपको कहीं से कॉल आया कि भैया मेरे को काम कराना है, तो आप मेरे यहाँ पे आके देख लीजिए कि मुझे क्या क्या करवाना है। तो आप उनके यहाँ जाते हो, तो सिंपल सा आप उनके यहाँ गए, हाँ जी बताइए क्या काम कराना था आपको। बोले पूछा मुझे ये बनवाना है और इसका पूरा टोटल मुझे बजट बता दीजिए। जैसे एक अलमारी बनाना है, अलमारी का बजट बता दीजिए। तो आपने तो काम किया है लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि अलमारी में कितनी बजट आता है, सिंपल सा। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि क्या आपको क्या करना है, मैं यही बताने वाला हूँ। तो वहीं पे आप पूछेंगे, आपसे सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल ये कि आप पहले कहाँ पे काम किए हो भैया, कहाँ पे बनाए हैं, कुछ फोटोज वगैरह है? भले आप तो फोटो रख लिएंगे मोबाइल में, दिखा देंगे किसी का बनाया हो दूसरा दिखा देंगे, तो क्या फिर आप बजट नहीं बता पा रहे हो? तो समझ जाते कि बिल्कुल ये बिगनर है, नया है, इसको उतना खासा नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आपको इस बारे में बताता हूँ कि आप लोग कैसे काम, आपको कैसे काम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे आप जाते हो किसी कस्टमर के यहाँ, आपको बुलाते हैं कि काम देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट बिल्कुल। हाँ वहाँ पे पहुँचे, जी सर आपने बुलाया था सर मुझे, कुछ काम था। जी जी बताइए सर, ठीक है सर। तो आपको लेके जाके दिखाएंगे, और सबसे ज़्यादा पूछे वाला सवाल है, पूछे जाने वाला सवाल कस्टमर की तरफ से, तो आपको इसके आगे बारे में मैं आगे बताता हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कस्टमर की तरफ से कि मुझे ये अलमारी बनाना है, ठीक है, मुझे ये देख लो, ये हो गया सिंपल सा एक अलमारी, ये ऐसा ये अलमारी हो गया सिंपल, दिख रहा है दोस्तों। अब सबसे ज़्यादा पूछा, मैंने से पूछा मुझे ये अलमारी बनाना है 3-6 का 7-3 का या 7-4 का, जैसे भी हो, कितना खर्च आएगा? अब आप बोल रहे हो भैया थोड़ा सा मुझे गुना भाग करने दो। नहीं, गुना भाग नहीं करना है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास यही होती है, आप नए कारपेंटर हो, सबसे दिक्कत यही, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, आपको वहाँ पे गुना भाग नहीं करना, सीधा एक ही बार में बताना है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप पहले घर पे हो ना, तो एक नोटबुक निकालो, नोटबुक में सबका बजट बना के देखो। मैं ऐसा करता था, सब जितना भी आप जैसे भी एक साइज प्रॉपर साइज चुन लो, ये आज जैसा अलमारी हो गया, ये है अपना 3 का ऐसा है और ये अपना 7 का ऐसा है, 7-3 का अलमारी है, तो 7-3 की अलमारी में कितना खर्च आएगा? तो सीधा डायरेक्ट एक ही बार बोलो आप कि इसमें सर आपको 15-17 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। मैंने एक बजट वाला वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कि कैसे बजट निकालते हैं अलमारी का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अलमारी का, इस टाइप से आपको बात करना है, बिल्कुल कस्टमर को रिस्पेक्ट देना है ना। ऐसा नहीं कि आप गए कि हाँ जी बताइए आपने मुझे बुलाया थे, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नमस्ते सर। आप घर पे जैसे पहुंचे अपने सर को देखो, जो भी दिखा वहां पे घर का सबको, जी नमस्ते मैम, नमस्ते सर, जी सर आप हम लोगों ने बता बुलाए थे मुझे, कुछ काम था, ये बहुत जरूरी है, आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, आप ऐसा बजट निकालोगे, ठीक है। उसके बाद
सबसे ज़्यादा क्या पूछते हैं, मुझे किचन भी बनवाना है तो इसमें कितना खर्च आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना हो गया, अपना मान सिंपल था, एक छः छः का किचन हो गया। मान लीजिए ये किचन है अपना छः छः का, ये इस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से, ऐसे थोड़ा बहुत ड्रा कर देता हूँ मैं, ये इस टाइप से आपका हो गया ये हो गया आपका किचन। ठीक है, अब इसमें ये किचन भैया इतना है, मुझे इसमें कितना बजट आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताना है कि आप प्रैक्टिकल अगर शुरू से कर लेते हो तो आपका एक मीडियम रेंज का प्लाई, जैसे मीडियम रेंज और मीडियम रेंज का हार्डवेयर में मस्त से एक बजट बनाई है, तो मीडियम रेंज के प्लाई और इसमें करेंगे तो लगभग लगभग इसमें 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास का आपका बजट बढ़ता है, उनके मटेरियल के ना नाप की परसेंटेज जोड़ के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होगा 45 हज़ार, लेकिन एक एक रेट फिक्स मत बताइए ना, 40 से 45 या 45 से 50 ये बताइए आप। ऐसा नहीं कि 45 हज़ार ही आएगा, 45 हज़ार ही आएगा, ऐसा नहीं, आप फंस जाओगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताना है, मैं एक लगभग बता रहा हूँ सर, और सामने वाले को समझाओ कि आपके सामान की क्वालिटी पे है। आप इसका रेंज कम करते हो प्लाई वगैरह हार्डवेयर का, तो 45 से भी कम, 40 से भी कम चला जाएगा। ठीक है, और आप इसका रेंज बढ़ाते हो तो सर यही किचन आपका लाख रुपये का चला जाएगा, ऐसा समझाओ कस्टमर को। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है सर कि आप कौन से क्वालिटी का मटेरियल यूज करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको बजट बना के पहले से देख लेना है। सिंपल सा एक टीवी शोकेस देख लेते हैं, ये हो गया सिंपल सा टीवी शोकेस, ये इधर एक डब्बा डिब्बी बना दिया ऐसा, इधर पल्ला वाला बना दिया अगल बगल, ये बीच में दराज वगैरह बना दिया ऐसा, ये सिंपल से सामने में टॉप आप थोड़ा बहुत निकाल दिया ऐसा इस टाइप से, और यहाँ पे लग गया टीवी। अगर चाहो तो सामने थोड़ा बहुत कुछ रेख वेख डिजाइनिंग दे सकते हो, ऐसा दिख रहा है दोस्तों ये। तो अब इसमें कितना बजट आएगा, ठीक है, अब इसमें कितना बजट आएगा, तो सिंपल सा आप बताओ, इसमें इसमें लगभग मिनिमम अगर टीवी शोकेस बनाओ अच्छे डिजाइन में तो 5 से 6 प्लाई लग जाती है। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 प्लाई लग जाती है, और माइका वगैरह भी 3-4 लग जाता है, तो और हार्डवेयर वगैरह स्लाइडिंग वगैरह लेके आपको एक मीडियम रेंज में कम से कम 30 से 35 35 हज़ार के आसपास का इसमें आपका बजट बैठता है, ये 35 हज़ार। और ये वाला अलमारी बताया था ना अपना, 15 से 17 हज़ार के आसपास इसमें बजट बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ध्यान रखना कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए ना आपको। आप जब घर पे रहते हो, आप नौसुखियो कारपेंटर, आपको पता नहीं है सब ये सब चीज़ के बारे में, तो आप बिल्कुल एक नोटबुक निकालिए, सबका प्रैक्टिकल कीजिए कि इस किसमें कितना खर्चा। आपको सामान का रेट मालूम नहीं है तो किसी हार्डवेयर में जाइए, एक अच्छे जो रहता है किचन वगैरह जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे जाइए, सबका रेट पता करिए, डायरी में लिखिए सबका रेट, तब आपको ये बताना बहुत जरूरी। आप ये बताओगे ना तो आपको बिल्कुल कस्टमर सोचते हैं कि यहाँ पहुँचा हुआ बंदा है, काम अच्छे से किया, तभी तो एक बार ने बता दिया ये। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको काम करना है। मैं आगे और बताता हूँ कि आपको क्या क्या और करना है। और दोस्तों, जैसे जैसे आपने काम चालू कर दिया, मान लीजिए आप एक नौ नए नौसिखिए कारपेंटर हो, आपको कहीं से काम मिल गया। अब काम मिलने के बाद ऐसा नहीं कि आप काम रेगुलर करो, छुट्टी बिल्कुल नहीं मारना है आप न, आपको काम दिखाना है, आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं मारना है। आपको अगर छुट्टी मारना है तो 2 दिन पहले बताओ या 1 दिन पहले बताओ कि सर मैं कल नहीं आ पा रहा हूँ और मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ये ऐसा समझाओ। अब अचानक से आप कल आज काम किया, कल घर चले गए, अब सुबह उनको फ़ोन कर रहे हो कि सर मैं काम पे नहीं आ पा रहा हूँ, तो सामने वाला 100% मैं बता रहा हूँ कि सामने वाला ऐसे में गुस्सा हो ही जाते हैं। गुस्सा हो गए तो आपका पेमेंट काटने का भी चांस बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले से, और जब आप उनसे अच्छे जिस कस्टमर के यहाँ आप काम करते हो ना उसके यहाँ ना बिल्कुल इज्जत व्यवहार बना के रखो, जो कुछ बोले हंसी मजाक करके रहो, ऐसा नहीं कि रूखा सूखा उनसे रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों, मस्त से बात करो। सब जितने भी घर में सदस्य आपसे मिलने कुछ पूछते तो जवाब दो उनको, कुछ घर के लेडीज़ में क्या है दोस्तों, कई यहाँ काम करते हो घर के लेडीज़ जो रहते हैं ना भैया, लास्ट में ये बना देना, वो बना देना, ऐसा कर देना, चौकी बना देना, कुछ भी, तो आप हाँ जी जी मैडम, लास्ट में अगर प्लाई वगैरह बचता है तो मैं आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा मैडम, ये इस टाइप से बात करो। और देखो दोस्तों, रिस्पेक्ट आप दोगे ना 2 बार बिल्कुल चाय के लिए आपको ज़रूर पूछेंगे। जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ पर यदि आप काम कर रहे हो तो बात बता रहा हूँ, आप कहीं अदर कंस्ट्रक्शन में काम करो जहाँ कोई नहीं रहता, घर बन के तैयार है वहाँ पर काम, तो बात की बात है, जहाँ चालू घर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप काम करो बिल्कुल 2 बार चाय के लिए पूछेंगे, तो ऐसा रिस्पेक्ट बना कुछ। मैं जितने जगह भी काम करता हूँ बिल्कुल दोस्तों मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक जगह जहाँ पे मैं अदर जो नया घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे काम करता हूँ, तो वो तो बात की बात है,
और जितने भी रहते हैं वहाँ पे काम करो, तो मुझे 90% के यहाँ चाय के लिए ज़रूर पूछते हैं, तो रिस्पेक्ट बना के रखोगे तब तो पूछेगा ना भाई। कई लोग ऐसे रहते हैं जिसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिला, तो क्या चाय चलो तो क्या उसके पानी के लिए भी नहीं पूछते। ठीक है, आपको पानी अपना लाना पड़ेगा, आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है कोई कई साइड में। तो ये दोस्तों ठीक है, तो इस टाइप से आप रिस्पेक्ट बना के रखिए सामने वाले से। उसके बाद दोस्तों काम पे आते हैं, अपना काम कैसा करना है। देखिए आप नए नौसिखिए कारपेंटर हो, आपको काम मिला है अपने खुद के दम पे, आप परसेंटेज में कर रहे हो, तो काम फिनिशिंग से करना सीखो। आपको टाइम लगे तो लगे, लेकिन फिनिशिंग के साथ काम करो। जहाँ आपको 15 दिन का काम है वहाँ पर 20 दिन लगाओ स्टार्टिंग में। जब आप काम करते रहोगे रेगुलरली, अपने दम पे काम करते रहोगे ना, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक स्पीड हो जाएगा, तो आप वहाँ पे स्पीड से कर सकते हो। जैसे आप नए सीखो और थोड़ा सोच विचार के काम करो। जब भी आप कुछ भी बना दो, जैसे अलमारी भी बनाना है, ठीक है, आपको अलमारी ठोकना है, तो पहले ड्रा बना लो, ड्रा में नापा निकाल लो अच्छे से, नाप वगैरह कि कितना कितना मुझे काटना है, कैसे कैसे काटना है, पहले ड्रा। मैं अब भी भले मैं इतना साल से काम करूँ, लेकिन अब भी मैं बिना ड्रा किए बिना कोई भी प्लाई नहीं काटता। मैं सबसे अलमारी भी बनाना हुआ मुझे ना, तो पहले ड्रा बनाता हूँ, ड्रा में देखता हूँ कितनी सेल्फ देना है, ये अनुमान लगाते हैं हम लोग कितना सेल्फ देना है। सामने वाले से पूछते हैं, घर वाले भैया से पूछते हैं, सर से, सर इसमें कितना सेल्फ दूँ और कुछ ऐड करना है क्या इसमें, ये पहले पूछो ड्रा बना के, उनके मुताबिक बताओ, अपने मन मर्जी नहीं करना है। हाँ कोई बोल देते हैं ना अपने हिसाब से बना दो ना भैया बोल के, तो बात की बात है, लेकिन अधिकतर लोग बताते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे ये रखना, यहाँ पे 2 ड्रास दे देना, यहाँ पे सेल्फ देना, यहाँ पे स्कटिंग रहेगा, ऊपर भी एक डब्बा छोटा सा छोड़ देना जूता वगैरह रखने के लिए, सूस वगैरह, या फिर नीचे में एक डब्बा छोड़ देना सूस वगैरह रखने के लिए, ये सब बातें आती है। तो आपको इसको पूछना है, तो सबसे पहले आप नए कारपेंटर हो तो बिल्कुल एक छोटा सा काम पे जाते हो ना, तो अपने बैग में ना जो काम वाले सामान रखते हो उस बैग में एक छोटा सा डायरी रखिए, जिसमें ऐसा ड्रा जो चीज़ आप बनाते हो उसका ड्रा बना के रखिए, ड्रा बनाइए और सामने वालों से पूछिए कि क्या करूँ। और ड्रा बना के काटोगे दोस्तों आपसे गलती नहीं होगी, बिना आप ड्रा किए काटोगे तो कहीं पे गलती हो जाती है, कहीं पर प्लाई इधर उधर कट जाता है, कहीं छोटा बड़ा कट जाता है, तो ये ना हो। आप नए हो और ऐसा गलती करोगे तो आप पे भारी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलो तो ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। और सबसे पहले मैं उन कारपेंटर भाइयों को से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो हेड कारपेंटर है, उनके साथ कोई कारपेंटर नया काम करता है तो ऐसा मत सोचना भाई कि मैं उन लोगों को भड़का रहा हूँ अपना खुद के काम करने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। भले ही मेरे पास भी काम करते हैं कारपेंटर और नौसिखिया पूरा सीख भी गए हैं कई लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनको मेरे पास ही रखूं भाई, उनका भी तो है, कब तक आपके साथ काम करते रहेंगे। हमारे कारपेंटरी लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत ही मजदूरी रेट बहुत कम मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगर हेड से हेड कारपेंटर होगा तो उसको, हमारे छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ, 400 से 450, और जो नए नए हैं उनको तो बिल्कुल 250-300 रुपये ही मिलता है। और जो हेल्पर, जो नए नए हेल्पर जाते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल भी हमारा काम नहीं, क्योंकि हमारे में बिल्कुल 140-160 यही रेट है। हाँ जो बंदा सीखना चाहता है, जिसको सीखने की ललक हो ना, वही हमारे लाइन पे आता है, जो अगर सीखना चाहता है। ठीक है, आपको सीखने की ललक हो तो भी आप एक काम करेंगे, क्योंकि आपका तो पेमेंट बनेगा ही नहीं ज़्यादा, यहाँ पे महीने के काम करें तो कितना बन जाएगा, 160 रुपये 140 रुपये के हिसाब से आप खुद ही जोड़ लो। आपसे तो हमारे से ज़्यादा तो आप अदर काम में जाओगे, जो कंस्ट्रक्शन काम में जाओगे, कुली कबाड़ी वाले, उसमें आपको 200-250 रुपये मिल जाएगा, तो कौन करना चाहेगा ऐसा काम। ये काम वही करेंगे जो, हाँ आप एक बार सीख गए ना दोस्तों, अपने काम करना लग गए तो फिर आपके पास पैसा का कमी नहीं रहेगा, आप अच्छे से खासे पैसा कमाएंगे, महीने में 30,000-35,000 भी कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है, अब बात कर लेते हैं, जैसे आप नए हो, आपका अब आपको आपने यहाँ काम किया, आपका यहाँ पे 1 लाख का मटेरियल लगा है ये सब में, एक बात की बात बता रहा हूँ, कितना भी लग सकता है वो तो आपको भी पता है, 1 लाख का लगा तो 1 लाख में 30%, हमारे छत्तीसगढ़ में 30% चलता है, बाहर में कितना चलता है मुझे नहीं पता, ज़्यादा भी चलता होगा, तो 30% के हिसाब से आपका कितना हुआ यहाँ पे, 30,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये 30,000 रुपया आपका हो गया। अब आप नए हो, आप वहाँ पे अच्छे से काम करते हो, तो अब बोल रहे यार 30% लगा रहे हो यार, ये 30% थोड़ा सा कम करो ना, परसेंटेज कम करो। नहीं, सबसे बड़ी गलती, आप नए हो तो ऐसा नहीं है कि आप नए हो कि आप कम में 30% से बिल्कुल आप जैसे चल रहा है, जो सबके मार्केट में चल रहा है वही आपको लगाना है, बिल्कुल मार्केट नहीं गिराना है, एक कारपेंटर के रूल के खिलाफ है। जैसे आप काम करते हो तो आपका घर की बात है, आपके मामा के यहाँ काम कर रहे हो, बड़े पापा के यहाँ काम कर रहे हो, तो बात की बात है, वहाँ भी मैं मामा बाप बड़े पापा के यहाँ परसेंट कम नहीं करता, भले मैं उनके यहाँ पैसा ना लूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बताना सबको कि मैं आपके यहाँ 30% में काम किया हूँ,
कि किसी कारपेंटर को ये नहीं लगे साला मार्केट में रेट गिरा रहा है बोल के, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप नए सीखे हो तो मैं तो कम में काम करता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना वैल्यू बना के रखोगे तो वैल्यू चलता रहेगा आपका, आप वैल्यू गिराओगे तो वैल्यू गिर जाएगा आपका, ठीक है। आप जैसे 25% में काम करोगे ना तो क्या बोलेंगे सामने कारपेंटर, साला काम ऐसा करता होगा जैसे 25% में लगाता है, काम ठीक से नहीं करता होगा, ये आप पे बदनामी आएगी और आप आगे जाके आपको काम नहीं मिलेगा। रेट जितना भी लगे, काम जो फिनिशिंग से करते हैं उसको 35% देने के लिए भी तैयार है मार्केट में लोग, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो काम आप अच्छा कीजिए, और ये तो मैं बता रहा था 30% कम नहीं करना है। हाँ, आपके उनके यहाँ पेमेंट 30,000 रुपये हो रहा है, ठीक है दोस्तों, मानते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे आप 1,000 कम दे दीजिए, आप मुझे 29,000 रुपये दे दीजिए, मैं परसेंट कम नहीं कर सकता। बात भले वही हो कि आपने परसेंट कम कर दिया तो इतने तो 1,000 कम हो गया ना, ऐसा बात बिल्कुल नहीं, वो आपके सोच की मैटर है। आप ऐसा नहीं, मैं एक आपका 500,000 रुपये कम कर सकता हूँ दोस्त सर, लेकिन ये परसेंट कम नहीं कर सकता, ये आप बोलो। अब ऐसा आपने उसको भले ये मान जाए चले 1,000 रुपये परसेंट में कम करें तो 1% का 29% में आ जाता है, वो बात की बात, लेकिन आपको यही दिमाग लगाना है कि आपको तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं परसेंट तो 30 लिया मेरे से जी, बेचारे ने 5,500 रुपये कम कर दिया लास्ट में हिसाब किताब हुआ, तो ये बोलेंगे। आपने डायरेक्ट परसेंट कम कर दो ना, 29 में जोड़ बोलेंगे तो सामने वाले को वो 29% में काम किया मेरे हैं यार, आपके यहाँ तो 32% लगा रहा है, जरूर सामने वाले को बोलेगा। तो आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना, वहाँ पे आल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और आप सबसे पहले देखेंगे मेरे वीडियोस को, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।